हरे कृष्णा। सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को जो भी रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान गोविंद सिंह डोटासरा जी ने अभी अभी रीट परीक्षा 26 सितंबर को आयोजित करने का निर्णय लिया है और उन्होंने कहा है कि जो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी थे जिनको की आवेदन करना रह गया था वो 21 जून से 5 जुलाई तक उनके लिए विंडो ओपन की जाएगी और इसके संबंध में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वो संशोधित विज्ञप्ति जल्द जारी करेगा। तो दोस्तों जो भी रीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के पास में एक सुनहरा अवसर है, उनके पास में 3 महीने का लगभग समय है और इस 3 महीने में अपने आप को शिक्षक बनने के लिए अगर आप दृढ़ निश्चित हैं, आपका दृढ़ निश्चय है कि आप शिक्षक बन करके अपनी सेवाएं समाज को देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इन 3 महीनों में आप अपनी तैयारी को वह गति दीजिए ताकि 3 महीने के बाद जब 26 सितंबर को आपकी परीक्षा आयोजित हो उस दिन आप अपने आप को एक शिक्षक के रूप में स्थापित कर सके। दोस्तों आइए आगाज करते हैं हमारी तैयारी का इस वीडियो के साथ। कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के दिन तैयारी के तुझको मोहलत देती है। ठोस मजबूत भरोसा अपने सपनों पर करना, जितने मुंह उतनी बातें गौर कितनों पर करना। तो दोस्तों जैसा कि हमने अभी इस वीडियो में देखा, हमें लोगों की बातों पर गौर नहीं करना है, एक लक्ष्य बना करके लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने रख के जो कि हमारा लक्ष्य है रीट परीक्षा में उत्तीर्ण होना और अपने आप को एक शिक्षक के रूप में स्थापित करना। 26 सितंबर का यह दिन हमारी आंखों में दिन और रात होना चाहिए और निरंतर हम हमारे तैयारी को एक गति दे करके पूरा सिलेबस का एनालिसिस करके तरीके से हमारी पढ़ाई को जारी रखें। अगर जारी रख रहे थे तो उसकी स्पीड बढ़ा दें और एक फोकस्ड होकर के हमारी अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हमारा मिशन रीड जो है इसे हमें पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता और इस दिवाली को हम परीक्षा की चिंताओं से मुक्त होकर और एक शिक्षक के रूप में खुशी के दीपकों के साथ हम दिवाली मना रहे होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को आपकी आने वाली रीट परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।